ये देखिए सर, एक गाड़ी वाले की लापरवाही, कट्टा गिर गया इसकी गाड़ी से तो नीचे गिर के फट गया है। मानता हूँ कि नुकसान हो जाएगा तो इनको ही भरना पड़ेगा, वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन सर ये थोड़े से नुकसान के पीछे देखिए अपनी जान कैसे, किस तरह से इन्होंने दाव पे लगा रखा है। इतना इतना ट्रैफिक चल रहा है, इनको क्या ज़रूरत है बीच रोड में बैठ के और इस तरीके से उसको उठाने की। अरे 1500 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता इनकी जान को कुछ हो गया या इन्हें कुछ हो गया, किसी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी या और कुछ हो गया, तो उसका जवाबदेही कौन होगा। देखिए किस तरीके से इन्होंने लापरवाही कर रखा है, इनकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। देखिए ट्रैफिक भी जाम हो रहा है और ये कान दिल्ली कलकत्ता हाईवे है। देखिए इनको बचाने के चक्कर में, ये देखिए सर, देखिए बस वाले ने भी एकदम ब्रेक मारी अभी। देखिए ऐसे हादसों को चुनौती दे रहे हैं ये लोग खाली बीच रोड में बैठ के। देखिए देख रहे हो आप कितना ट्रैफिक इकट्ठा हो कर दिया इन्होंने। देखिए देख, कोई डर नहीं लग रहा ना, कोई जरा से इनको भय तक नहीं है कि हम लोग बैठे कहाँ पे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने पूरा रोड जाम करवा रखा है, इनकी वजह से ट्रैफिक भी रुक रहा है यहाँ पे। अभी तो चलिए थोड़ा वो ऐसा टाइम है, बजरी वाली गाड़ियाँ नहीं चल रही है। ये कानपुर वाला टोल प्लाजा है ये सामने, और वहाँ की ये घटना है। देखिए अभी शाम का टाइम है थोड़ा, इसलिए वो नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ सर फुल ट्रैफिक रहता है। और इन्होंने अपनी जान दाव पे लगा रखी है एकदम। देखिए देखिए किस तरह किस तरीके से ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं। कोई डर नहीं है इन्हें कि हमारे साथ कोई हादसा हो सकता है और कुछ हो सकता है, लेकिन इन्हें कोई डर नहीं है जरा सा भी। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।